नमस्कार, मैं कुमार अनिल, ओंकार आवावी में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर का असर रिम्स में भी दिख रहा है। इसका असर चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो के मुलाकातियों पर इसका असर देखने को मिला। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के मद्देनजर लालू से शनिवार को मुलाकात पर रोक लगा दी गई। वहीं रिम्स निदेशक ने कहा कि अभी रिम्स के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 5 संदिग्ध भर्ती हैं। वहीं अपने नेता लालू प्रसाद से मुलाकात करने पहुंचे बिहार के खगड़िया विधायक चंदन कुमार के साथ साथ अन्य मुलाकातियों को रिम्स में स्थित जेल प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों ने बैरंग लौटा दिया। आदेश निकला का अगला आदेश था कि ये बंदी किसी से नहीं मिलेगा, ठीक है, और बाकी कुछ उसमें क्या लिखा हुआ सर उसमें? अगला आदेश तक बंदी नहीं मिल सकता है। आप लोग लेटर जारी हुआ है क्या? आदेश आया है ना? ये आदेश आया है, लेटर जारी नहीं है। हम लोग जो आदेश दिया है उसी को दिए हैं। साहब से मिलने के लिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए। क्या कहा गया आपको? नहीं, अभी तो यहाँ कहा गया है कि रोक है कोरोना को लेकर के। ऐसे कुछ तो पूरे विश्व भर में कोरोना को लेकर के हम लोग भी क्षेत्र में जागरूक कर रहे हैं सब लोगों को। नहीं, आप लोगों को यहाँ लालू जी से मिलने में क्या कहा गया प्रशासन? नहीं, अभी तो जैसे रोका गया है कि अभी कोरोना को लेकर के रोक लग गया है, रुक जाइए। मुलाकात नहीं हुई है। ये सच की अपनी अपनी जिम्मेवारी है। अगर आप हमसे कहें कि हमने जेल प्रशासन को लिख के नहीं भेजा, तो ऐसी चीजें कर पाना बहुत मुश्किल है। प्रचार माध्यम जो सरकारी माध्यम है, उससे सबको एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी का फॉलो करना ही इसका हम लोगों का कर्तव्य है। अब हर एक आदमी कहे कि हमसे नहीं कहा गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देवघर में कोरोना वायरस को लेकर देवघर जिला प्रशासन से लेकर मंदिर पुजारी भी काफी सजग है। रविवार को सभी देशवासियों से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अपने घरों से कोई नहीं निकले। उन्होंने साफ लहजे में सभी को कह दिया है कि जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकले, अन्यथा आप घरों में ही रहें। बीमारी है, मैंने क्या बतावे इसके सामने में। आपका कैंसर और टीबी भी कुछ नहीं है, ये वायरस है। ये आप अगर जैसे कि आप लिफ्ट में चल रहे हैं, अंगुली से छुए और वही लिफ्ट को हम भी अंगुली से छू दिए तो हमको भी आ जाएगा, और हम किसी को छुएंगे उसको आ जाएगा। कहने का मतलब एक से एक में एक मिला दीजिए तो हो जाता है, दो नहीं एक में एक सटाइए 11 हो जाता है। इतना इसीलिए हम लोग हैं, धर्म की जय हो और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो, इससे एकदम बचना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो बताए 22 तारीख को सबको 7 बजे से 9 बजे रात तक घर में रहना है, इसको ओरिजिनल में लीजिए, डुप्लीकेट में नहीं। कोरोना वायरस से लेकर पूरा विश्व जो है जूझ रहा है, इसको लेकर चाइना भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है, इटली भी परेशान है। सिर्फ चाइना की अगर बात करें तो चाइना में 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में भी इस बीमारी का जो है फैलना शुरू हो चुका है। लगभग 200 से ऊपर मामले ऐसे हैं जो ये मामले भारत में आ चुके हैं। इसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरता जा रहा है, आपने इन तस्वीरों के जरिए देखा। यहाँ के पुरोहित ने बताया कि ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। देवघर से मैं जीतन कुमार। कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से अपील भी की है, जनता कर्फ्यू में भरपूर सहयोग करें। इसी को लेकर स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने जमशेदपुर में एक बैठक की। इस बैठक में जिला उपायुक्त सिविल सर्जन के साथ सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि पूरे राज्य में 45 सैंपल जाँच के लिए दिया गया था और सभी का रिपोर्ट नेगेटिव निकला है। स्वास्थ्य सचिव ने साफ कर दिया है कि राज्य में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है, लेकिन जागरूकता और बचाव जरूरी है। में जो लेबोरेटरी चल रही है उसको हम लोग और उसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे थे, और वहाँ पे जो PCR मशीन उपलब्ध है उनका प्रॉपर उपयोग कैसे करना है, इसी बात के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे आज। और यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है अभी तक क्या क्या कार्य किए गए हैं उसकी सबकी अभी हम लोगों ने यहाँ पर समीक्षा की है। राज्य पूरी तरह से तत्पर है और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। जमशेदपुर में अभी तक इन्होंने लगभग 1500 बेड्स क्वारंटाइन के लिए भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। आइसोलेशन वार्ड्स तैयार है हमारे, और जो जो आवश्यकताएं है वो सब हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी उपायुक्तों को 50-50 लाख का विशेष कॉन्टिजेंसी फंड भी जारी कर दिया गया है, जिससे कि वो कुछ आवश्यक सामानों का क्रय कर सके। आवश्यकता यही है कि सभी लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई कराएं,
और जो जिला प्रशासन अभियान चला रहा है उसमें पूरी तरह से सहयोग करें। टीवी एंड चेस डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा को कोरोना वायरस से संबंधित विभाग के नोडल ऑफिसर बनाया गया है। उनका कहना है कि कम से कम लोग रिम्स आए, घर पर ही वह सुरक्षित हैं। जो ज़्यादा सीरियस नहीं है तो अपने नज़दीक में इलाज करवा सकते हैं, अपने नज़दीक के डॉक्टर से ही सलाह लें। बहुत सीरियस नहीं है जो अपने नज़दीक में इलाज करवा सकते हैं, वो कोशिश करें कि अपने घर के आस पड़ोस के डॉक्टर से, स्वास्थ्य केंद्र से मिल के ही इलाज करवावे। रिम्स ऐसे संस्थान में बहुत भीड़ बढ़ जाने से मरीज टू मरीज भी बहुत प्रॉब्लम होता है, इलाज कराने में दिक्कत भी होती है, और एक हमेशा नज़दीकी डिस्टेंस मेंटेन करने पर बहुत मना करने के बाद भी लोग मानते नहीं हैं, संक्रमण का खतरा तो है। तो मरीजों से अपील है कि वो बिना गैर जरूरी हो तो ना आए रिम्स, आए तो कम से कम लोग की संख्या में आए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए, जल्द लौटते हैं।